हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूँ रितेश और आज है 9 मार्च। 9 मार्च से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि झारखंड के क्लासों के PDF आपको वहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। आपका अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई कंसर्न होगा तो आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स के थ्योरी को भी देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स से झारखंड के जितने भी स्टैटिक GK बनेंगे उन्हें भी हम लोग देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने वाले हैं, प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं और एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट को देखने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी हम लोग लास्ट में रिविजन करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतनी सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं और चलिए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सब्र रख, वक्त तेरा भी आएगा। आप लोग भी पेशेंस रखें और पेशेंस रखकर मेहनत करें, आपका भी वक्त जरूर आएगा। चलिए इसी लाइन के साथ में हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेएन टाटा की कितनीवीं जयंती मनाई गई है। तो जमशेद जी टाटा की कितनी भी जयंती मनाई गई है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 183वीं। जेएन टाटा की 183वीं जयंती हाल ही में 3 मार्च को मनाई गई है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में टाटा स्टील के संस्थापक जेएन टाटा की 183वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 मार्च 1839 को इनका जन्म हुआ था और 3 मार्च 2022 में इनकी 183वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर टाटा संस के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर, इन्होंने जमशेदपुर स्थित जुबली पार्क में इनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है लाइफ एट द रेट टाटा स्टील। तो इसे आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थीम, आप लोग जरूर याद रखें। और इनकी कितनी भी जयंती मनाई गई है? तो इनकी 183वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 मार्च 1839 को इनका जन्म हुआ था। यह है जमशेद जी टाटा और इनकी 183वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 मार्च 1839 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 19 मई 1904, यानी 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसे आप लोग याद रखें। ये कौन है? तो ये है टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्र शेखरन, इनके द्वारा ही जमशेदपुर के जुबली पार्क में पुष्प अर्पित किए गए हैं इनके प्रतिमा पर। जमशेदपुर जुबली पार्क, तो ये है जमशेदपुर में जुबली पार्क और इनके ये है ये जमशेद जी टाटा का प्रतिमा और यहाँ पे नटराजन चंद्रशेखरन के द्वारा पुष्प अर्पित किए गए हैं। इसे आप लोग याद रखें। जमशेदपुर जुबली पार्क को कुछ इस तरीके से सजाया गया था। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जमशेदपुर में। जमशेदपुर की बात करें तो ये है मैप में जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर एक शहर है जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और जमशेदपुर का फॉर्मेशन 1919 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम एक जिला है और जमशेदपुर एक शहर है। बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन 16 जनवरी 1990 में किया गया था। पूर्वी सिंहभूम में टोटल ब्लॉक की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है। पूर्वी सिंहभूम किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो ये 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ और उड़ीसा के साथ। झारखंड के सरायकेला खरसावां के साथ, यानी एक जिले के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पे है जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन 16 जनवरी 1990 में किया गया था। और इसके एरिया की बात करें तो 3,533 किलोमीटर इसका एरिया है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी सिंहभूम कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आता है। और कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर है चाईबासा में। पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा सीट है जमशेदपुर। और विधानसभा सीट की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं, ये इसका एरिया है।
और इसके लिटरेसी रेट की बात करें तो 76.13% इसका लिटरेसी रेट है, और सेक्स रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 949 यानी 949 इसका सेक्स रेशियो है। अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये इसका पॉपुलेशन और 650 इसका पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम में टोटल 11 ब्लॉक है और 2 सब डिविजन है यानी 2 अनुमंडल है। कौन कौन से 2 अनुमंडल है, तो ढालभूम और घाटशिला पूर्वी सिंहभूम के 2 अनुमंडल है, और ये कुछ मेजर फेस्टिवल्स है जो पूर्वी सिंहभूम में मनाई जाती है, और ये कुछ मेजर लैंग्वेजेस है जो पूर्वी सिंहभूम में बोली जाती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। ये पूर्वी सिंहभूम के टोटल 11 ब्लॉक है, आप इन्हें याद कर ले। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में राज्य के किस जिले में खुदाई से कीमती पत्थर और हड्डी के टुकड़े मिले, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हजारीबाग। हजारीबाग से खुदाई से कई कीमती पत्थर और हड्डी के टुकड़े मिले, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राज्य के हजारीबाग जिले से खुदाई से कीमती पत्थर और हड्डियां मिली है, ये सभी हजारीबाग जिले के सदर प्रखंड से मिला है। तो कौन से प्रखंड से मिला है, सदर प्रखंड के बहरनपुर से मिले हैं। ये पत्थर काफी चिकने और अनेक रंग के हैं, कुछ पत्थर पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब यह कि इसके आर पार देखा जा सकता है। तो अनेक रंग के पत्थर मिले और बहुत ही कीमती पत्थर मिले हैं, साथ साथ हड्डियां भी मिली है। पुरातात्विक विभाग का कहना है कि यह 1000 साल पुराना हो सकता है। 1000 साल पुरानी यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी जो बाद में समाप्त हो गई। यहाँ पे आग जलाने के भी कई प्रमाण मिले हैं, साथ साथ बर्तन राख जैसे कई दैनिक उपयोग यानी रोजमर्रा की चीजें जो होती है उसे उपयोग जो किया जाता है उसे भी प्राप्त किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें हजारीबाग। तो ये है हजारीबाग के वो जगह जहाँ पे खुदाई से कई कीमती पत्थर, आग जलाने के प्रमाण, कई हड्डियां और कई दैनिक उपयोग की चीजें मिली है। तो हजारीबाग को आप लोग याद रखें। ये है कुछ पत्थर और कुछ मूर्तियां भी वहां पे मिली गई है। देखिए आप पत्थर को देख सकते हैं, कुछ पारदर्शी पत्थर है और कुछ कई रंग के प्रकार है। पारदर्शी का मतलब ये है कि उसके आर पार देखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हजारीबाग में खुदाई से ये पत्थर प्राप्त हुए हैं, हजारीबाग। तो ये है मैप में हजारीबाग। बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग का फॉर्मेशन कब किया गया था। हजारीबाग का फॉर्मेशन 1833 यानी 1833 में किया गया था। हजारीबाग में टोटल ब्लॉक की बात करें तो हजारीबाग में टोटल 16 ब्लॉक है। हजारीबाग कौन से राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो ये बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के किन किन जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, तो देखिए ये चतरा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, रांची के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, रामगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, बोकारो के साथ करता है, गिरिडीह के साथ करता है और कोडरमा के साथ करता है। तो इन राज्यों के साथ यानी 6 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है, तो इसे आप लोग याद रखें। हजारीबाग के सदर प्रखंड के बहरनपुर से खुदाई से कई कीमती पत्थर, कई हड्डियां और एक बस्ती मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले 1000 साल पहले यहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी जो बाद में समाप्त हो गई, तो इसे आप लोग याद रखें। बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग का एरिया कितना है, 4313 किलोमीटर स्क्वायर का हजारीबाग का एरिया है। और हजारीबाग कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है, तो हजारीबाग नॉर्थ और नागपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है और नॉर्थ और नागपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है हजारीबाग में। बात करेंगे हजारीबाग के सब डिवीजन की, तो हजारीबाग में 2 सब डिवीजन है, बरही और सदर। तथा सर्कल की बात करें तो हजारीबाग में टोटल 16 सर्कल है, 16 ब्लॉक है। ये है हजारीबाग के 16 ब्लॉक, आप इन्हें याद कर लें। हजारीबाग के कुछ मेजर चीजें देखिए, तो हजारीबाग के ये कुछ मेजर लैंग्वेज है जो बोली जाती है, इसे आप लोग याद रखें। और ये हजारीबाग के टोटल 16 ब्लॉक, आप इन्हें जरूर याद कर ले। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं को बढ़ावा देने और सभी जगह महिलाओं की भूमिका को बताने के लिए यह हर साल मनाया जाता है। तो 8 मार्च को
हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात आई है तो अब हम लोग जानते हैं कि नेशनल वुमेन्स डे यानी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो दोनों ही डेट को आप लोग याद रखिए, 8 मार्च और 13 फरवरी। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रांची स्थित सेल ने कब राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 मार्च। 4 मार्च को सेल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया है जो रांची में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची स्थित सेल ने 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया है। इस वर्ष सेल ने अपना 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया है। तो इसे आप लोग याद रखिए, सेल तो ये है सेल और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये रांची में स्थित है। बात करेंगे सेल की, तो सेल का फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये कहाँ पे है, ये है रांची में। एक सेल बोकारो में भी है, उसे भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो जो रांची में स्थित है उसके द्वारा 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 4 मार्च 2022 को ये मनाया गया है रांची। तो रांची के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, रांची के बारे में मैं आपको जितनी डिटेल में बताता हूँ, अब आप लोग क्या करें, रांची के बारे में आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। जितनी डिटेल में मैं आपको बताता हूँ उतनी ही डिटेल में आप लोग कमेंट करके बताएं रांची के बारे में। चलिए देखते हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए कितने जिलों में अभियान को चलाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 जिलों में। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य में 6 जिलों में अभियान को चलाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, हाल ही में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य में 6 जिलों में अभियान को चलाया जाएगा। राज्य में साहेबगंज, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गुमला और देवघर में ये अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 7 से 12 मार्च तक चलाया जाएगा। तो आज है 9 मार्च, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसे 12 मार्च तक चलाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें, राज्य के 6 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं किन किन जिलों में इसे चलाया जाएगा। तो ये गुमला में चलाया जाएगा, रामगढ़ में चलाया जाएगा, बोकारो में चलाया जाएगा, धनबाद में चलाया जाएगा और देवघर में चलाया जाएगा। तो इन 6 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, साथ साथ साहेबगंज में भी ये चलाया जाएगा। आपसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कब विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के अध्यक्ष झारखंड के दौरे पर आए थे। तो जो भी इसका सही आंसर होगा उसके बारे में डिटेल में लिखिए और कमेंट करके हमें आंसर दें। तो चलिए प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिविजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का एक बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10। 10 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का एक बिल राज्यसभा में पेश किया गया है और अर्जुन मुंडा के द्वारा यह बिल पेश किया गया है। अर्जुन मुंडा कौन है, हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री है अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा ही यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के अध्यापक को यंग रिसर्चर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी के अध्यापक को यंग रिसर्चर अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में कब चौरा चोरी घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए, तो 4 फरवरी को चौरा चोरी घटना को 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 फरवरी 1922 में चौरा चोरी घटना हुई थी और 4 फरवरी 2022 में इसको 100 वर्ष पूरे हो गए। कब से राज्य के सभी जिलों में वॉलीबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 25 फरवरी से। हाल ही में किस देश की टीम के द्वारा झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमैका। जमैका के टीम के द्वारा झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।